हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हमने कल आपको दे दिया था, तो आप लोग आंसर अपना मिला लीजिए। देखिए, इनमें पहला क्वेश्चन था, क्या था, 15 ml ऑफ वाटर एंड 10 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर टू बी मिक्स्ड इन अ बीकर। मतलब 15 ml वाटर और 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग क्या कर रहे हैं, मिक्सअप कर रहे हैं। और मिक्स किस में कर रहे हैं, इना बीकर, किसी बीकर में। तो कहने का मतलब ये है, किसी बीकर में हम लोग 15 ml वाटर और 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स कर रहे हैं। तो आपको बताना है, स्टेट द मेथड दैट शुड बी फॉलोड विथ रीजन। मतलब आप इसको किस हिसाब से मिलाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, जो मिलाने की बात आ रही है, हम जानते हैं एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, वाटर की कम होती है। तो हम लोग वाटर में एसिड को स्लोली स्लोली मिलाएंगे, क्योंकि क्या होता है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है ना, जिससे क्या होता है, बम्पिंग हो सकता है। इसलिए हम धीरे धीरे करेंगे ताकि वो कूल हो जाए। तो पहले का पहला आंसर आपका हो गया, द एसिड इज टू बी एडेड स्लोली इन वाटर। हमने एसिड को वाटर में स्लोली ऐड किया है टू प्रिवेंट द मिक्सचर टू बी स्प्लेंड। ठीक है, हमने एसिड को वाटर में स्लोली स्लोली मिक्सअप किया है, एंड द रिएक्शन इज हाईली एक्सोदर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, जो रिएक्शन होता है वो बहुत हाईली एक्सोथर्मिक होता है। देयरफॉर कॉन्स्टेंट कूलिंग शुड बी डन। ठीक है, देखिए ये होता है, इसका रीज़न ये होता है कि हम लोग वाटर में धीरे धीरे मिला रहे हैं एसिड को, क्योंकि ये क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। और जब ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है तो हम लोग इसको धीरे धीरे मिलाएंगे तो ये क्या होता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए सेकेंड में क्या करा, वर्ड इज दिस प्रोसेस कॉल्ड, मतलब इस प्रोसेस को क्या कहेंगे। तो ये डाइल्यूशन प्रोसेस है, आप कह सकते हैं द प्रोसेस इज डाइल्यूशन, ये एक डाइल्यूशन प्रोसेस है, ठीक है ना। आप देखिए सेकेंड क्वेश्चन में है, नेचुरल सोर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एसिड, इन सब एसिड के नेचुरल सोर्स आपको बताने हैं। तो पहला क्या कह रहे हैं, सेकंड का फर्स्ट है सिट्रिक एसिड, है ना। तो सिट्रिक एसिड हमको कहाँ मिलता है, सिट्रिक एसिड आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है, लेमन में, ऑरेंज में, ठीक है, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, यहाँ आपको सिट्रिक एसिड मिल जाएगा। फिर ऑक्जेलिक एसिड की अगर बात करें तो ऑक्जेलिक एसिड आपको कहाँ मिलेगा, टोमेटो, टमाटर में, एंड गुआवा, अमरूद में, ठीक है, दो जगह मिल जाएगा। देन देखिए क्या आ रहा है आपका, लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड कहाँ मिलेगा आपको, दही में, कर्ड में। और लास्ट में आपका टर्टरिक एसिड, तो टर्टरिक एसिड आपको कहाँ मिलेगा, टैमरिंड में, ठीक है, ये हो गया टर्टरिक एसिड। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आर स्टूडेंट डिटेक्टेड द पीएच ऑफ फोर अननोन सॉल्यूशन ए बी सी एंड डी 11, 5, 7 and 2, रीडिंग द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। हमारे पास क्या है,
ए बी सी और डी चार हैं, ए बी सी एंड डी, और चारों के पीएच वैल्यू कितना कितना है, 11, 5, 7 और 2। ठीक है, आपको क्या बताना है इनका नेचर कैसा होगा ये बताना है। देखिए जिसकी पीएच वैल्यू 11 है वो क्या हो जाएगा आपका, बेसिक हो जाएगा। देखिए हमारा क्या होता है, अगर पीएच वैल्यू 7 है तो न्यूट्रल होता है, 7 से ज़्यादा है तो बेस हो गया, और यही क्या है 7 से कम है तो एसिड हो जाएगा। ठीक है ना, तो 11 है तो इसका बेसिक हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर 5 है इसका तो ये एसिडिक हो जाएगा, इसकी पीएच वैल्यू 7 है तो न्यूट्रल हो गया, और जब पीएच वैल्यू 2 है तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रांगली एसिड है। ठीक है, चलिए देन क्या कह रहा है, स्टेट अ केमिकल नेम ऑफ, स्टेट द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या होता है, जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है ना, तो देखिए पीओपी, जो हमारा पीओपी होता है, पीओपी मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है ना, पीओपी को क्या है केमिकल नेम इनका, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट है इसका केमिकल नेम। ठीक है ना, और दूसरे में क्या कह रहे हैं, ये राइट अ केमिकल इक्वेशन, एक ऐसा इक्वेशन आपको बताना है जो शो करे कि क्या कर रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के बीच में हो, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के बीच में केमिकल रिएक्शन हम लोग करा सकते हैं, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये POP हो गया, इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे वाटर से H2O से, तो क्या बना देगा CaSO4 इंटू 2H2O, यहाँ हम लोग क्या कर देंगे 3/2 लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये है, स्टेट इन ब्रीफ द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, मतलब आपको वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन करना है। ठीक है, बेकिंग सोडा से। अब देखिए हमारा जो बेकिंग सोडा होता है इसका फार्मूला क्या होता है, NaSCO3, ये NaSCO3 से हमको बेकिंग सोडा लाना है। पहले तो NaSCO3 वॉशिंग सोडा है। ठीक है ना, अब वॉशिंग सोडा को हम लोग क्या करेंगे, ये आपका हो जा रहा है NaSCO3 बेकिंग सोडा। इस बेकिंग सोडा को जब हम लोग हीट करते हैं तो आपको सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा और वाटर मिल जाएगा। आप 2 बढ़ा दीजिए, यहाँ बैलेंस हो गया। इस सोडियम कार्बोनेट का जब हम 10H2O मतलब वाटर के 10 मॉलिक्यूल के साथ क्रिएट करते हैं तो क्या बन जाता है, Na2BO3 इंटू 10H2O क्रिएट हो जा रहा है। ठीक है ना, मतलब हमारे कहने का मतलब ये है, सोडियम कार्बोनेट वाटर के 10 मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी वॉशिंग सोडा बन जा रहा है। तो बेटा बस आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।